संदीप लामिजान के जैसा खिलाड़ी कभी नेपास्ट में न आया है न आएगा, मुमकिन नहीं नामुमकिन है। संदीप लामिजान के जैसा खिलाड़ी नेपास्ट में कभी भी नहीं आएगा, नेपास्ट में वैसा खिलाड़ी बना पाएगा ये मैं नहीं बोलता हूँ, नेपाल के बोर्ड खुद बोलता है कि नेपाल का जो बोर्ड है वो एक मीटिंग में गया था, उनके चार पाँच कंट्री से मीटिंग था, जब ये बोले मैं नेपाल का रहने वाला हूँ तो वो लोग बोलते हैं संदीप लामिजान आपके टीम से खेलता है। आप सोच लीजिए संदीप लामिजान कैसे कौन सा खिलाड़ी है, अपना पहचान क्या बनाए हुए हैं। कहीं संदीप लामिजान अपना नहीं पहचान बनाए, नेपाल का पहचान बनाए हुए हैं। संदीप लामिजान को फंसाने के लिए बहुत कोशिश किया गया, उनका करियर बर्बाद करने के लिए कोशिश किया गया, किया गया नहीं किया गया। वो इतने अच्छे खिलाड़ी पूरा दुनिया में नाम रोशन किया नेपाल का, पूरा दुनिया में नेपाल को चिनाया कि नेपाल में क्रिकेट है, नेपाल का खिलाड़ी पूरा दुनिया में लीग खेल सकता, वैसा खिलाड़ी को फंसाने के लिए कोशिश किया गया। क्योंकि संदीप लामिजान को एक खिलाड़ी पूरा दुनिया में नाम किया, पूरा दुनिया में नेपाल को रिप्रेजेंटेंट किया, नेपाल को चिनाया कि नेपाल में भी एक क्रिकेट खेला जाता, नेपाल में एक क्रिकेटर ऐसा खिलाड़ी पैदा हुआ है सकता है, कभी पैदा हो ही नहीं सकता नेपाल में ऐसा खिलाड़ी संदीप लामिजान के जैसा, मुमकिन ही नामुमकिन है, ऐसा खिलाड़ी बना ही नहीं सकते, कभी जिंदगी में नहीं बना पाएंगे, कभी जिंदगी में ऐसा खिलाड़ी पैदा ही नहीं होगा। पूरा दुनिया में लीग खेलता है, पूरा दुनिया में नाम रोशन किया, अभी कनाडा के लीग में क्या जबरदस्त बॉलिंग किया, क्या शानदार बॉलिंग किया, अपने बर्थडे गिफ्ट में 6 रन दे के 3 विकेट लिया 4 ओवर फेंक के, इससे अच्छा बर्थडे गिफ्ट क्या चाहिए। लोग उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, उनको ना कि हम लोग फंसाना चाहिए, चाहे करियर बर्बाद करने के लिए कोशिश किया, बिल्कुल करियर बर्बाद नहीं हुआ, बल्कि जो उनका केस चल रहा है वो केस हटा देना चाहिए, केस खारिज कर देना चाहिए, उनको रिहा कर देना चाहिए। वो डिमोटिवेट नहीं हुआ बंदा, वो बंदा अपने आप को प्रूव किया मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ, मैं इससे कुछ भी करा सकते हो, मेरे को जेल में बंद कर दो, ऐसा दूसरा कोई खिलाड़ी होता ना तो डिमोटिवेट हो जाता, जेल से दोबारा वापस टीम में ज्वाइन नहीं कर सकता था, दोबारा खेल नहीं सकता, बल्कि संदीप लामिजान ने प्रूव किए कि मैं मजबूत खिलाड़ी हूँ, मैं लड़ सकता हूँ, और लड़के दिखाए नेपाल टीम में, जो वापसी किए जबरदस्त बॉलिंग किया, शानदार बॉलिंग है, नेपाल टीम को मैच जिताए, एशिया कप में क्वालिफाई कराए, उसके बाद कनाडा के लीग में जाकर जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, वो IPL खेले हुए, दुनिया के जितने लीग है सब खेले हुए, PSL खेले हुए, बिग बैश लीग खेले हुए, कनाडा के लीग खेले हुए, जितना लीग है सब लीग खेलते हैं, ये एक ऐसा लौता खिलाड़ी नेपाल में है कि वो पूरा दुनिया का लीग खेला, पूरा दुनिया में नाम किया हुआ है, दुनिया में नेपाल का नाम रोशन किया हुआ, एक ही ऐसा लौता खिलाड़ी है। जाम लगाने से पहले, उनको जेल में बंद करने से पहले उनके बारे में सोचना चाहिए था, उनका तहकीकात करना चाहिए ये सही है गलत है, बाद में उनको रिहा किया गया ना, नहीं किया गया, उनका नाम खराब मिले कोशिश किया गया, नाम खराब कर दो दोबारा मैच ही ना खेल पाए, बल्कि वो बंदा अपने आप को मोटिवेट किया, अपने आप से लड़ा, वो लड़के सीखा कि मैं लड़ सकता हूँ, मैं आगे कर सकता हूँ, मैं अच्छा कर सकता हूँ नेपाल टीम के लिए, मैं डिमोटिवेट नहीं होऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर वो खिलाड़ी आज हार मान जाता ये सब बातें की वजह से क्या होता, आज कुछ भी नहीं कर सकता। एक छोटे गाँव के खिलाड़ी आके, चितवन का रहने वाला खिलाड़ी आके पूरा दुनिया में लीग खेलता है, नेपाल का पूरा दुनिया में नाम रोशन करता है, जो केस चल रहा है केस हटा देना चाहिए, उनको रिहा कर देना चाहिए। यार क्या शानदार बंदा है यार, ये नेपाल का ही नेपाली पैदा हुआ है, एक नेपाल का ही खिलाड़ी है, एक ऐसे लौता ही खिलाड़ी है नेपाल का जो कि पूरा दुनिया में लीग खेलता है, पूरा दुनिया में नाम रोशन करता है नेपाल का, नेपाल फैंस के लिए नाम रोशन करता है, नेपाल के लिए नाम रोशन करता है, नेपाल टीम के लिए नाम रोशन करता है। जब यार नेपाल के जब प्रेसिडेंट जाते हैं मीटिंग में, जब बोलते मैं नेपाल का हूँ, तो जो बाकी जो दूसरा दूसरा देश के बोर्ड के आते हैं प्रेसिडेंट आते हैं, तो बोलते हैं आप टीम में संदीप लामिजान खेलते हैं, तो आप सोच सकते हो संदीप लामिजान की वजह से नेपाल का टीम पहचाना जाता है, नेपाल क्रिकेट पहचाना जाता है, वो लौते के खिलाड़ी की वजह से, तो उसको हम लोग क्या मोटिवेट कर देते हैं, उसको क्या आरोप लगा देते हैं, उसको फिर कहीं जाने नहीं देते हैं, कहीं खेलने नहीं जाने देते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच खेलने गए, नहीं तो उनके ये सर था वो खेलने नहीं जा सकते थे, तो उनका जो केस वगैरह चलता है उनको रिहा कर देना चाहिए। एक ऐसे लौते खिलाड़ी खाली है यार, तो उनको सपोर्ट करो, उसको प्यार दो, आगे और अच्छा करे, नेपाल टीम के लिए अच्छा करे, पूरा दुनिया में राम रोशन करे। अभी एशिया कप आने वाला है तो उसको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, बर्थडे गिफ्ट में 4 ओवर फेंक के 6 रन दे के 3 विकेट लिए, जो कनाडा के लीग में दिखा है, तो उनका जो पॉइंट टेबल में जो उनका टीम है जगुआर टॉप में किए हुए हैं, सेमीफाइनल फाइनल भी खेल सकते हैं। एक ऐसे लौते खिलाड़ी है यार, क्या शानदार बॉलिंग है, क्या जबरदस्त बॉलिंग है, ऐसे खिलाड़ी को आरोप लगाया जाता है, ऐसे खिलाड़ी को जेल में उठा के बंद कर दिया जाता है, एक बार भी नहीं सोचा जाता है कि एक खिलाड़ी पूरा नेपाल को रिप्रेजेंट किया हुआ, पूरा नेपाल को रोशन किया हुआ है, वजह से नेपाल क्रिकेट जाना जाता है बहुत जगह पे। नहीं तो पहले कौन जानता नेपाल क्रिकेट, बताइए कौन जानता था, मैं जहां रहता हूं वहां पे कोई नहीं जानता था, पूछो नेपाल क्रिकेट है, नेपाल का क्रिकेट आपका है नहीं, ये संदीप लामिजान के IPL खेलने की वजह से, PSL खेलने की वजह से, दुनिया का जो लीग खेलने की वजह से मालूम चला कि नेपाल में क्रिकेट होता है, नेपाल में कोई खिलाड़ी है, एक संदीप लामिजान
जाहिर करा है संदीप लामा चाहे सा दिलाए कि हाँ नेपाल में मैच खेला था, नेपाल में एक टीम है, नेपाल का एक खिलाड़ी हूँ। तो संदीप लामा चाहे का जैसा खिलाड़ी बनना या पैदा करना या नेपाल के बोर्ड का बनाना मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन क्या नामुमकिन नहीं है, वैसा खिलाड़ी दोबारा नहीं आ सकता है। लेकिन ये खिलाड़ी को संभाल कर रखना चाहिए, अच्छा सपोर्ट करना चाहिए, अच्छा प्यार करना चाहिए। जो ये खिलाड़ी पूरा दुनिया में नाम रोशन कर रहा है नेपाल काल का, नेपाल टीम का, अपना खुद तो जो कर रहा है वो अपने लिए थोड़ी खेलता है यार, वो तो नेपाल के लिए खेलता है, नेपाल के नाम रोशन के लिए खेलता है। आज वो अगर कनाडा लीग में गया खेलने के लिए, जब उसको बोला जाता तो नेपाल का ही रहने वाला बोला जाता है ना, कहीं और का तो रहने वाला नहीं बोला जाता है, तो कहीं कनाडा का या इंडिया का या पाकिस्तान का, नेपाल का ही बोला जाता है ना। संदीप लामा चाहे फ्रॉम नेपाल, वही बोला जाता है ना। दीपेंद्र सिंह बेदी खेलने गए, उनको भी तो ये बोला जाता है कि नेपाल के रहने वाले हैं, नेपाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भले के के लीग खेल रहे हैं तो मालूम तो चलता है, पासपोर्ट में लिखा, उनका नेशनलिटी में लिखा है कि नेपाल के रहने वाले हैं। तो भाई ये सब जो बातें हैं उनको खारिज कर देना चाहिए, उनको रिहा कर देना चाहिए, इस बंदे को बचा के रखना चाहिए, इस बंदे को प्यार देना चाहिए। प्यार बहुत मिलता है संदीप लामा चाहे को, बहुत प्यार किया जाता है, फैंस लोग बहुत प्यार करते हैं। बाकी जो फंसाने के लिए कोशिश किया गया था, उनका करियर खत्म करने के लिए कोशिश किया गया था, तो ये चीज़ और खिलाड़ी के साथ ना हो कि कोई अच्छा खिलाड़ी खेलता है तो उसके उनको फंसा दिया जाए, कैसे फंसा दिया जाए, उनका करियर खराब करने के लिए कोशिश किया जाए, तो ऐसा मत कीजिए। कोई भी करता तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नेपाल के बोर्ड को कुछ बड़ा कदम उठाना चाहिए और नेपाल के बोर्ड को ये संदीप लामा चाहे जो केस है उनको रिहा करा देना चाहिए, वो केस खत्म कर देना चाहिए, संदीप लामा चाहे को फ्री कर देना चाहिए। गाइस आप लोग क्या लगता है, संदीप लामा चाहे कि जैसा कोई नेपाल में खिलाड़ी पैदा हो सकता है या नेपाल के बोर्ड संदीप लामा चाहे खिलाड़ी जैसा बना सकते हैं, कोई है आपके जानकारी में? मेरे को तो लगता तो नहीं है कि 10 साल तक संदीप लामा चाहे का कोई खिलाड़ी आए नेपाल के टीम में और पूरा दुनिया में लीग खेले और नेपाल का नाम रोशन करे। आप लोगों को क्या लगता है गाइस, कोई ऐसा खिलाड़ी है? अगर आप लोगों को लगता है कोई ऐसा खिलाड़ी कोई नाम है तो वीडियो नीचे मेंशन कर सकते हो। आप लोग क्या लगता है गाइस, संदीप लामा चाहे जो केस है उसको खारिज कर देना चाहिए, केस खत्म कर देना चाहिए, संदीप लामा चाहे को रिहा कर देना चाहिए, संदीप लामा चाहे को पूरा कैसे बरी कर देना चाहिए? तो क्या लगता है ये सब होगा या नहीं होगा? अगर संदीप लामा चाहे का डाई हेड फैन है तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।